जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग परफेक्शन IAS का सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और टेलीग्राम लिंक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आप वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, @BPSC_Nayak_notes हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से और आपको वहाँ पर PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आई नो ऑलरेडी छोटा है। चलिए पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला देखिए यहाँ पे प्रोवाइड बेसिक रूल्स टू फैसिलिटेट मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द सोसाइटी मेंबर। तो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की संविधा के लिए बुनियादी नियम प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, जेन्यून भी लग रहा है। दूसरा है आपका स्पेसिफाइज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेसिफाइज करता है हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी। ये भी आपको सही लग रहा है कि निर्दिष्ट करता है संविधान की समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सेट आउट द लिमिट ऑन द व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, यानी सरकार अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है इसकी सीमा वो निर्धारित करता है। सही बात है कि कुछ भी नहीं कर देगा, यानी सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा। और चौथा आपका क्रिएट कंडीशन फॉर ए डेवलप्ड सोसाइटी, ये एक विकसित समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं आपकी, ये आपका जो डेवलप सोसाइटी के परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो आपका ऑप्शन डी ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तीन जो आपका फॉरवर्ड स्टेटमेंट था जो कि आपका सही लग रहा था, और चौथा आपका थोड़ा सा एक्सट्रीम था और सही भी नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रॉम विच इन फैक्ट मेनी ऑफ इट्स प्रोविजन आर कॉपी ऑलमोस्ट टेक्स्टुअली। यानी किसने कहा था कि भारत का संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सीधे प्राप्त होता है, वास्तव में यह इसके कई प्रावधानों से लगभग शाब्दिक रूप से कॉपी किया गया है। तो ये जो है किसने कहा था, ये जो कहे थे आपके आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था, आइवर जेनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना है कंसीडर करना है और यहाँ पे बताना है अरेंज करना है इसको अबव द एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। कैसे कैसे ऑकर हुआ है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बताना है कैसे कैसे इतने ऑकर हुआ है। तो चलिए आपका पहले देख लेते हैं पहले कौन कौन आया था। पहले हमारा क्या आया था यहाँ पे, पहले हमारा आया था आपका सोवर्जिन आया था, पहले सोवर्जिन आया था ये आएगा। फिर उसके बाद सोवर्जिन के बाद सोशलिस्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा सोवर्जिन सोशलिस्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा इक्वालिटी, यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सोवर्जिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, फिर क्या आपका, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जस्टिस, उसके बाद है इक्वालिटी हो जाएगा। तो यही हमारा इस तरीके से जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP का जो है पर्पज क्या है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का प्रायोजन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है आपका टू ले डाउन द पॉजिटिव डायरेक्टिव डैट वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, यानी ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य के नीति का मार्ग दर्शन कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपका सही लग रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है और यही है चार ऑप्शन में हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 यहां पे देखेंगे, नेक्स्ट है यहां पे कह रहा है यहां पे हो गया पांचवा, यहां पे देख लेते हैं यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म्स लिबर्टी, लिबर्टी के रिगार्डिंग में कौन सा यहां पे टर्म जो है करेक्ट बता रहा है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो पहला देखिए पहले यहां पे सरकार हर पहलू में नागरिक से बेहतर है ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान सभी को समृद्ध बनाने के लिए अवसर प्रदान करना यह भी नहीं है, अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए सुरक्षा यह भी नहीं है, व्यक्ति की गतिविधियों पर संयम की अनुपस्थिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तियों के गतिविधियों पर संयम का की अनुपस्थिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमको क्या डिफाइन करता है, यही हमको लिबर्टी सबको डिफाइन करता है। और ये लिबर्टी आया कहाँ से, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ कब आया था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 1789 था उसमें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द इम्पेटस टू द टर्म फैटर्निटी मेंशन इन द पार्लियामेंट। फैटर्निटी का मतलब यहाँ पे क्या बताया, यानी संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रस्तावना में वर्णित बंधुता का शब्द प्रोत्साहन देती है, तो कौन सा यहाँ पे प्रोत्साहन देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सिंगल सिटीजनशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एकल नागरिकता जो है आपका क्या प्रमोट करना है, या आपका सोवर्जिनिटी जो आपका प्रमोट करना, सॉरी सोवर्जिनिटी फैटर्निटी प्रमोट करता है, ठीक है, बंधुत्व को आपका प्रमोट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर है आपका यहाँ पे कंसीडर करना है आयरलैंड से क्या क्या लिए हम लोग, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा आयरलैंड से कौन सा हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है यूएसए से, ये तो आपका गलत है, यूएसए से आपका कॉन्करेंट लिस्ट नहीं आया है, तो ये पहला गलत हो गया। साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिया है, तो साउथ अफ्रीका वाला सही है। कनाडा से एडवाइजरी जुडिशियल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपका आया है। और तीसरा है आपका यहाँ पे आयरलैंड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आया हुआ है, तो तीन यहाँ पे सही है। बाकी आपका चौथा जो यूएसए वाला है, ये कॉन्क्रेंस लिस्ट कहाँ से लिया, समवर्ती सूची लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो हमारा क्या है 3 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3 पेयर क्या आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं ड्रॉम फ्रॉम द वेरियस सोर्स, यानी आपका विभिन्न स्रोतों से लिया गया, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है लेंथीएस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लेंथीएस्ट क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दूसरा हमारा क्या हो गया गलत हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान है। तीसरा है यूनिटी बायस है विद फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम के साथ साथ हमारे पास क्या है यूनिटी बायस भी है, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ साथ संघीय प्रणाली भी है। और चौथा आपका मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और आल्सो लेजिस्लेटिव मेंबर, तो यहाँ पे कार्यपालिका के सदस्य विधायी सदस्य भी होते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या है ऑप्शन 2 इसका यहाँ पे गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, यानी भारत में उच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बता रहा है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इट कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, या लोअर कोर्ट से अपील कर सकता है, सही बात है। दूसरा है यहाँ पे इट कैन इशू द रिट फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे क्या है यह मौलिक अधिकारों को बहाली के लिए रिट जारी कर सकता है। तीसरा है द स्कोप ऑफ रिट इशू टू इज एक्सटेंडेड टू लीगल राइट आल्सो, यानी जारी किए गए रिटों के दायरा जो है कानूनी अधिकार तक भी बढ़ाया जाता है, ये भी आपका सही है। और चौथा यहाँ पे क्या है यही आपका जो है आपका गलत है, और यह हो गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट जज, हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं करता है, याद रखना है। तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुडिक्शन यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखते हैं अंडर दिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन सीक ओपिनियन ऑफ एनी लीगल मैटर बिफोर मेकिंग एनी लॉ, यानी इसके तहत भारत की संसद कोई कानून बनाने से पहले किसी भी कानूनी मामले पर राय ले सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देखिए एनी लिखा हुआ है यहाँ पे यही गलती है कि आपका अंडर दिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन सीक ओपिनियन ऑन एनी लीगल मैटर, किसी भी लीगल मैटर नहीं, ये आपका गलत है, एनी जहाँ पे आ गया वो आपका एक्सट्रीम शब्द हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे तो सेंटेंस सही है देखने से सही लग रहा है, लेकिन जो आपका एनी आ गया तो एक्सट्रीम बढ़ गया, तो आपका यहाँ पे ये वाला पहला वाला आपका गलत हो जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यहाँ पे किसी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, सही बात है कि दूसरा में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट जो बाउंड है आपका क्या करने से आपका एडवाइस देने से प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो राष्ट्रपति जो आपका उसको इग्नोर भी कर सकता है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्टी इज टैग्स हैज हैव बीन रिमूव, किस पार्टी का जो टैग है हटा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया गया है, तो कौन से पार्टी का हटाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक तो आपका हो जाएगा टीएमसी का और दूसरा है आपका एनसीपी का, टीएमसी और एनसीपी का पार्टी का दर्जा हटा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया है टीएमसी और एनसीपी का हो जाएगा,
ऑनली 2 and 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज इफ अमेंडेड, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इफ अमेंडेड रिक्वायर रेटिफिकेशन बाई मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संशोधित होने पर राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें बताना है कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा, कौन सा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है। एलोकेशन ऑफ सीट टू एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, ये भी हो सकता है, और ट्रांसफर आइटम फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट, ये तीनों ही आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका क्या होगा, ये गलत है, चौथा आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन वन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 13 कह रहा है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताना है, कौन सा इनमें से सही है पूछ रहा है। पहला होगा इट हैज मिनिमम स्टैंड कितना है फिक्स किया, 30 पे नहीं है आपका मिनिमम स्टैंड जो आपका 40 पे फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है इफ स्ट्रेंथ हैज बीन फिक्स्ड एट 100 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं आपका 40 पे है स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम जो आपका कितना है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 है आपका। नेक्स्ट है इफ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, ये भी आपका गलत है। और चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इट स्ट्रेंथ कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, क्या है इसकी सदस्य संख्या जो उस संबंधित राज्य की विधानसभा के संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन मेड अंडर द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है, तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे टू डिमार्केट बाउंड्री बिटवीन द ऑटोनोमस एरिया, ऑटोनोमस एरिया के यानी स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा का निर्माण करने के लिए, ऐसा नहीं है कुछ। दूसरा है यहाँ पे दूसरा आपका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हम क्या करेंगे, हम एससी के एसटी के यानी शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे, हितों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी आपका सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला प्रेजेंस ऑफ अपर हाउस नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ये नहीं होगा। दूसरा देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यही आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि कौन से मंत्रिपरिषद जो आपका किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए यहाँ पे 16 नंबर कंसीडर द यूनियन टेरिटरी एंड रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, यानी केंद्र शासित प्रदेश और उनके संबंध के बीच जो हाई कोर्ट आता है उनके बारे में बताना है। पुडुचेरी का आपका मद्रास उच्च न्यायालय देखता है, लक्षद्वीप केरला उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा, और चौथा आपका चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा, ये आपका सही है। तो कितने जो सिख में युग में जो आपका गलत है, तो आपका केवल एक गलत है, और ये आपका अंडमान निकोबार वाला ये आपका कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों मिला हुआ है। नेक्स्ट है 17 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रिट ऑफ कुआ वारंटो कैन नॉट बी इशू, यानी निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है, तो पहला जगह ओनली मिनिस्ट्री, ये आपका गलत है, ये इसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट ऑफिसर के खिलाफ भी नहीं कर सकते हैं, तो किसके क्या कौन कौन हो जाएंगे, तो आपका मिनिस्ट्रियल एंड प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ जो है कुआ वारंटो जारी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करना इनमें से, और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जो आपका उपरोक्त में से कौन सा जो है 26 जनवरी 1950 के अधिनियम मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, वो बताना है इनमें से कौन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका मूल संविधान का पार्ट नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पार्ट यहाँ पे है आपका उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है ये नहीं था, ठीक है। फिर आपका है आपका कौन सा जगह, वैज्ञानिक आधार पर पशुपालन और का संगठन ये था आपका, सहकारी समिति को बढ़ावा देना ये भी नहीं था, फिर है आपका मुफ्त कानून सहायता ये भी नहीं था, और आपका जो आपका वन और ये भी आपका नहीं था, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 5 हो जाएगा।
देखिए जो आर्टिकल जिसमें भी देखिए कोई भी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो आपका बाद में आया था, ठीक था 39 ए 43 ए एंड बी दोनों हो जाएगा, 43 ए भी 43 बी भी, और उसके बाद 48 ए, जहाँ भी ए लगेगा ये सब आपका समझिएगा बाद में ऐड हुआ था, मूल संविधान में नहीं था। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर केवल ये हो जाएंगे 1345। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के भाग 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मतदान देने का जो प्रयोग है, प्रयोग करना, ये आपका ये नहीं है, और आपका कौन सा नहीं है, तो बिना हिंसा के लोकतंत्र, ये भी आपका नहीं है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान कर सकते हैं, फिर 14 वर्ष तक के बच्चों को अवसर प्रदान करना, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो यह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 और 5 जो है आपका नहीं है, तो 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा सरकारिया कमीशन किसके लिए था, केंद्र राज्य संबंध के लिए था, पहला सही है। वर्मा समिति जो था आपका मौलिक कर्तव्य के लिए मौजूदा कानून प्रावधान था, ये भी सही है। धार आयोग जो था आपका राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, ये भी सही है। और ARC आयोग जो आपका पदोन्नति, ये आपका गलत है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे तीनों का याद रखिएगा, आपका जो सरकारी कमीशन सेंट्रल स्टेट से हो जाएगा, वर्मा कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का, और धार कमीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट बिल टू अल्टर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को बदलने के संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है, कौन सा इनमें से सही है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन क्या होना चाहिए, आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी नीड स्पेशल मेजोरिटी एज वेल एज रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, इतने से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। बाकी जो आपका साधारण बहुमत से न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई जा सकती है, सही बात है। मौलिक अधिकार में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशेष संशोधन के लिए गतिरोध आने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। और संसद में किसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों के संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका निभाता है, तो तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। बाकी तीसरा वाला आपका क्या है, गलत है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग इफ ए डेडलॉक अराइव टू फॉर एनी पर्टिकुलर अमेंडमेंट, ये आपको एनी नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, किचन कैबिनेट शब्द की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों से जुड़ा है, सही है। तो टर्म किचन कैबिनेट है इज एसोसिएटेड विद द प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच शक्तियों का सख्त पृथक्करण होता है, तो ये आपका क्या है, आपका ये गलत है, यानी जो आपका देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तीसरा आपका, प्रेसिडेंट इज इप्स फैक्टो हेड इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यानी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में स्वयं वास्तविक यानी इन फैक्टो जो आपका प्रमुख होता है, ये आपका सही है। और चौथा है, द रियल अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी वास्तविक अधिकार संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के अधीन का है, मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और इसका हेड होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, ये आपका सही है। तो कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी आपका सरकार के संसदीय स्वरूप का क्या, कौन सा इनमें से डीमेरिट है बताना है हमें, डीमेरिट बताना है इनमें से। तो पहला देखिए आपका, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सद्भाव को बढ़ाता है, ठीक है, सही बात है।
यहाँ पे डी मेरिट पे था ना, ठीक है। यह निरंकुशता को रोकता है, ये भी आपका सही है। यह शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है, नहीं आपका गलत है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, ये प्रमोट करता है। और चौथा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्या क्या हो गया आपका, इट प्रमोट हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी प्रोवाइड करता है, ये डिस्पोटिज्म को रोकता है, और यहाँ पे जो है आपका ये फेवर करता है सेपरिज्म को, तो ये आपका तीसरा गलत हो गया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1936, यानी 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस अधिनियम द्वारा किस मद को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। याद रखना है कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पांच चीज़ों को जो है आपका राज्य स्टेट लिस्ट से आपका कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया था। वो पांच चीज़ बताना है कौन कौन सा है 25 का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक तो वन था, दूसरा क्या था, एक शिक्षा था, और यहाँ पे एक आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे ये आपका वन्य जीवों का संरक्षण हो जाएगा, और भी था मापतौल, एक मापतौल था और एक और था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये आपको 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट द केस व्हेन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट द स्टेट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला नहीं है जब संसद राज्य के क्षेत्र में कानून बना सकती है, कौन सा इनमें से नहीं आता है बताना है यहाँ पे। पहला आपका यह अनुरोध के लिए प्रस्ताव या दो, यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश देख लेता हूँ। इट इफ रिजोल्यूशन फॉर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रपोज बाय टू और मोर देन टू स्टेट, यानी यदि अनुरोध जो आपका कितने दो या दो राज्य से अधिक ने पारित किया हो, दो या दो से अधिक राज्यों ने पारित किया हो अपने विधानमंडल में, तब यहाँ पे संसद जो है एक्शन ले सकता है स्टेट के अगेंस्ट में। दूसरा, अप्रूव बाय राज्यसभा बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, यदि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो सकता है। तीसरा है, रिजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफाइड बाय द कंसर्न स्टेट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत है। तो विशेष बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और समेत राज्य, ये आपका नहीं होगा। बाकी चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान, यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कर सकता है। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, हमारा तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धताओं का पूरा करने के लिए संसद कानून बना सकती है, किस पे कानून बना सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहला आपका यहाँ पे देखिए, विद द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, नहीं यहाँ पे क्या होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ अ स्टेट, बिना राज्यों के सहमति के बिना बना सकती है। मतलब कह रहा है कि अगर आपको कोई भी जो हमारा पार्लियामेंट जो है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहती है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है राज्यों के सहमति के बिना ही वहाँ पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बताया हुआ है और सोर्स बताया हुआ है, कौन सा कहाँ पे है। तो 28 में क्या बताना है, कितने जोड़े गलत है बताना है, कितना जोड़ा जो है आपका यहाँ पे गलत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आपका कहाँ से लिया गया, तो आपका ये जो जर्मनी से नहीं लिया गया है, ये आपका क्या कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मनी से लिया गया है। दूसरा है, संसद के दोनों संयुक्त संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका ज्वाइंट सिटिंग, कहाँ से आया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये भी गलत हो गया। कहाँ से आया है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान जो आपका ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। तीसरा है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये आपका कहाँ से आया, जापान से, ये आपका सही है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से। और द्विसदनीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन का संविधान से आया था। तो हमारा 2 सही है और 2 गलत है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कितने जोड़े गलत है, तो केवल 2 जोड़े जो हैं आपके गलत हैं। ये इजी क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, देखते हैं, द मेथड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ, यानी राज्य विधानसभा के सदस्य किसके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताना है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका विधान परिषद के सदस्य, ये आपका सही है। दूसरा है आपका यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति, ये गलत है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा चलता है सिर्फ। फिर आपका भारत के राष्ट्रपति, ये भी सही है, और यहाँ पे संसद के ऊपरी सदन, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, 2 गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो जाता है यहाँ पे, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, यहाँ पे देखते हैं फिर से,
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या संबंध क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका ही और सी इज इम्यून फ्रॉम द एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर डूइंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, वो अपने कार्यालय के दौरान किसी भी दीवानी या आपराधिक प्रक्रिया से मुक्त होता है। नहीं, ये गलत है, सिविल से नहीं होता है, बाकी क्रिमिनल से आपका मुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक पहला क्या पूछा सही नहीं, तो यही आपका क्या है गलत हो जाएगा, यही आपका क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या सही है वो देख लेते हैं। राज्य यहाँ पे है, द मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कह रहा है राज्य विधान मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, ये आपका सही है। तीसरा यहाँ पे, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ये भी आपका सही है। और तीसरा, ही एंड सी कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज और हर सक्सेसर एज्यूम हिज ऑफिस, यानी जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यालय ग्रहण नहीं करते तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। तो हमारा गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन वन, आपका गलत है। ये आपका सिविल में आपको अपीयर होना पड़ता है, लेकिन आपका क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए आपको यहाँ पे इम्यून दिया हुआ है, छूट दिया गया है। नेक्स्ट है 31 नंबर, देखते हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे, पहला आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट इन थ्रू एनी मीडियम। नहीं, एनी मीडियम ये गलत है, ये लिखित में है। ठीक है, लिखित में रहेगा तभी आपका सही है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किसी भी माध्यम से कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है, लिखित माध्यम से देना पड़ेगा, और ये 44वें संविधान संशोधन में बताया गया था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द प्रोक्लामेशन नीड्स टू अप्रूव विद इन वन मंथ फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो घोषणा को संसद के एक महीने के भीतर क्या हो अनुमोदित करना होता है, ये आपका सही है। तीसरा है आपका, द इमरजेंसी कैन बी रिवोक एनी टाइम इफ लोअर हाउस पास रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी, यानी यदि निचला सदन जो है आपका साधारण बहुमत से विकल्प पारित कर देता है तो आपातकाल को कभी भी रद्द किया जा सकता है। और चौथा आपका, द प्रोक्लामेशन नीड टू बी अप्रूव एवरी 6 मंथ और आफ्टर बींग इन इफेक्टेड फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसकी निरंतरता जो है आपका आपातकाल का प्रभाव में होने के बाद उद्घोषणा को हर 6 महीने में अनुमोदित कर सकते हैं। तो हमारा क्या है पहला गलत है, बाकी आपका सारा का सारा सही है। नेक्स्ट है 32 नंबर, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रेफर टू, पहला आपका डेड लेटर एंड टू बी यूज ओनली एज ए मेंबर ऑफ लास्ट मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बाई बी आर अम्बेडकर, यानी पता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसके लिए कहा है कि मित्र पात्र और केवल अंतिम आश्रय के विषय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, किसके बारे में ये बताते हैं, तो ये बताते हैं किसके बारे में, ये आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताते हैं, आर्टिकल 356, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन फेलुअर के बारे में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया 33 नंबर देखते हैं, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन रिमूवल एंड डेथ अदरवाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द अबव स्टेटेड स्टेटमेंट, यानी यदि भारत में राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र निष्कासन मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त होता है तो उपयुक्त कथन में से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखें, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए सारे का सारे गलत है, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है सही है, और ये है आपका द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट, कौन काम करेगा प्रेसिडेंट ही काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन करेगा वाइस प्रेसिडेंट करेगा, ये हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहता तो कौन करता, तो हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, बेसिक है इसलिए मैं बेसिक को डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड बॉडीज ऑफ डिपार्टमेंट, तो निकाय और विभाग के निम्नलिखित सूची पर विचार करना है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, यहाँ पे उपयुक्त में से किसके नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री यानी कौन हेड करते हैं, हेड भारत के प्रधानमंत्री हेड करते हैं किसमें किसमें, ये करते हैं आपके किसमें करेंगे, ये हो जाएंगे आपके पहला, तो हो जाएगा आपके नीति आयोग करेंगे,
यहाँ पे गंगा बेसिन में भी करेंगे, और किस में करेंगे, और यहाँ पे भारतीय वन्य जीव बोर्ड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा 1N, 1, 2 and 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 and 5 इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर विज्ञान विभाग को एलिमिनेट भी कर देते 4 नंबर, ये तो श्योर है 4 यहाँ पे गया 4, बाकी कोई एलिमिनेट करता नहीं है। तो आप देखते हैं 1, 2 and 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस के बारे में बताना है, उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही नहीं है, तो पहले राज्यसभा के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व है, ये तो सही है। ईच स्टेट हैज द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व है, ये आपका सही है। दूसरा, द फर्स्ट राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 1952, यानी पहला राज्यसभा का गठन हुआ था आपका 1952 में, ये भी सही है। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज बीन फिक्स्ड एट 6 ईयर बाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, यह संविधान के अनुसार नहीं किया गया है, यही आपका गलत हो जाएगा। और चौथा आपका, एक तिहाई सदस्य द्विवार्षिक रूप में सेनानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 मेंबर जो है रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल पे, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो यही आपका जो है आपका ये जो आपका संविधान द्वारा निर्देश नहीं है कि आपका जो राज्यसभा का टर्म होगा 6 साल ही रहेगा, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 36 है यहाँ पे। During the passage of a bill, if only important clauses are taken up the debate and voting and the intervening clauses are skipped and overtake as a passed, which of the following type of motion has been described? यानी किसी विधेयक को पारित होने के दौरान यह बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को लिया जाता है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है, तो कौन सा इसमें आपका मोशन माना जाता है ये? तो इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंगारू संवर्ग, यानी कंगारू क्लोजर कहते हैं। इसको कौन सा क्लोजर हो जाएगा आपका, कौन सा क्लोजर मोशन हो जाएगा, कंगारू क्लोजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, कंसीडर करना है यहाँ पे, तीन लिस्ट है, हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच, बताना है कौन सा कितने पेयर करेक्टली मैच है 37 का। देखिए यहाँ पे 37 का यहाँ पे यूनियन लिस्ट हो, इंश्योरेंस जो आपका यूनियन लिस्ट आता है ये आपका सही है। स्टेट लिस्ट में आपका एग्रीकल्चर आएगा, ये भी सही है। सेंसर जो आपका है ये आपका यूनियन लिस्ट का होता है, ये आपका कॉन्करेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 1 and 2 इसका करेक्ट है, तो दो आपका सही हो जाएंगे, ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के प्राकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका पहला, देखिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, पहला देखिए, इट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार इसका गठन किया गया था, तो आपका सही है। दूसरा है, इट कंप्राइज ऑफ 30 मेंबर, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है, 30 मेंबर होते हैं। तीसरा है, द मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा राज्यसभा, नहीं, इसमें सिर्फ जो आपका लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत जाएगा। और चौथा है, इट सजेस्ट टू बी पब्लिक एक्सपेंडिचर, या सार्वजनिक व्यय में सुझाव देता है, तो हमारा कौन सा गलत हो गया, तीसरा हमारा गलत हो गया, तीसरा। 39 नंबर देखते हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस मेड बाई द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाई बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 10 जज इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया संवैधानिक संदर्भों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने 5 जज होते हैं, यानी जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है वो एटलीस्ट 5 जज वहां पे बैठेंगे, 5 या फिर 5 से ज़्यादा, 5 से कम नहीं बैठने वाले, तो यहां पे एटलीस्ट 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, देखिए यहां पे क्वेश्चन 40 यहां देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन पे बताना है, यहाँ पे कौन सा कथन क्या है आपका सही है बताना है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, उन्हें भारत, यहाँ पे दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका सही है कि वे जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका, ही और सी कैन बी गिवन चार्ज ऑफ 2 or more states, उनको 2 या 2 से अधिक स्टेट के राज्यों का प्रभार भी दिया जा सकता है, 1 and 2 आपका सही है। तीसरा देखते हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही और सी शुड बी आउटसाइडर टू द स्टेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे संविधान के अनुसार वन नियुक्ति के स्थिति के लिए बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं आपका नहीं है।
नेक्स्ट है आपका ही हैज फिक्स्ड टर्म टेन्योर ऑफ सिक्स ईयर सब्जेक्ट टू प्लेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये आपका छः साल का नहीं होता है, ये आपका गलत है। तो हमारा कौन है, वन इंटू इज रहेगा, ये कितने साल का होता है, पाँच साल के लिए होता है, तो वन इंटू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, और ये दो या दो से अधिक के लिए भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है 41 देखते हैं। 41 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट इंटाइटल फॉर द फ्री लीगल सर्विस ऑफर्ड बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए हकदार नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेंबर ऑफ द OBC, ये हो जाएगा आपका आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के बारे में, जन आंदोलन लोक अदालत के बारे में बताना है कौन सा सही है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला आपका इट इज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन बेस्ड ऑन गांधी फिलोसफी, या गांधीवादी दर्शन पर आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान का हिस्सा है, पहला सही है। दूसरा है एवरी अवार्ड गिवन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट, यानी दिए गए प्रत्येक निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, अब ये सही है। तीसरा है लोक अदालत आर वेस्टेड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर 1908, यानी लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 बताना है, इधर से मेल कराना है, कौन सा इनमें से मेल हो जाएगा 43 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारा कौन सा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। देखिए सिंपल सा मैं बता दूँ, 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सी है। एक आसाम का क्या हो जाएगा, आसाम का 371 बी हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश का आर्टिकल 371 ई हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ए हो जाएगा एच, और कर्नाटका हो जाएगा आपका दो हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्टिकल 371 जे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे फिर से आर्टिकल और यहाँ पे मैच करना है, देखिए कौन सा होता है। यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा आपका, 44 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। देखिए ग्राम सभा का हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे जाएगा, ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसका फिर स्टेट इलेक्शन का हिसाब आपका आर्टिकल 243 के हो जाएगा। अथॉरिटी ऑफ पंचायत हो जाएगा आपका 243 जी में, और आपका यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 डी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, कौन सा करेक्ट जो आपका गलत है बता रहा है, कौन सा सही नहीं है बताना है यहाँ पे 45 का। तो यहाँ पे जो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो आपका सही है। दूसरा है द मंडल पंचायत इंस्टीट्यूट ऑफ विलेज पंचायत वाज रिकमेंडेड बाय द अशोक मेहता कमेटी, यानी अशोक मेहता समिति द्वारा ग्राम पंचायत के बजाय मंडल पंचायत की सिफारिश की थी, ये भी आपका सही है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज सजेस्टेड बाय जीवीके राव कमेटी, यानी जो कह रहा है कि जीवीके राव समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक इकाई के रूप में जिला का सुझाव दिया था, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका LM सिंघवी कमेटी रिकमेंडेड द टू टायर गवर्नमेंट, ये आपका गलत है, ये आपका अशोक मेहता ने बताया था, टू टायर जो आपका अशोक मेहता ने बताया था, ये आपका चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की संरचना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है बताना है, कौन सा इनमें से सही है। यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, अभी हाल ही में आया था, कौन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात कही थी कि अगर आपको आपको यहाँ पे CEC को चुनना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 47 का पहला आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 165 जो आपका, ये आपका आर्टिकल 165 किससे संबंधित है, एडवोकेट जनरल से, एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। तो 165 का आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा, तो ये आपका चौथा आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 88 है आपका राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, ये सही है आपका, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल संबंधित है, एक तो आपका 76 में आता है, एक 88 में आ जाएगा।
नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 317 जो होता है आपका रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 150 में फॉर्म द यूनियन एंड, तो ये हमारा एक ही यही चौथा वाला गलत है, चौथा क्या आपका गलत है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 165 जो आपका किसका है, तो आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, और 76 जो आपका एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की चयन समिति का हिस्सा नहीं होते हैं, तो बताना है कौन से नहीं होते हैं। तो 48 का क्या हो जाएगा हमारा, ये कौन से नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर तो होंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या है होते हैं। फिर जो है आपका राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में की नियुक्ति के चयन समिति का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लेकिन आपका ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, देखिए यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फाइंड मेंशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कह रहा है भारत में के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में अंग्रेजी भाषा को उल्लेख नहीं है, किस में उल्लेख नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे शेड्यूल 8 में, आठवीं अनुसूची में क्या है आपका 22 लैंग्वेज है जिसमें आपका इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली सुमेलित मैच नहीं है, तो बताना है आपका केशवानंद भारती केस, यहाँ पे देखना है 50 का करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो केशवानंद भारती के देखा है प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना का सिद्धांत किससे, आपका केशवानंद भारती केस हो जाएगा, ये तो आपका सही है, कौन सा नहीं है पूछा है, तो आपका पहला तो सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ये गया। दूसरा देखिए मेनका गांधी इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून का उचित प्रक्रिया का परिचय दिया था आपका मेनका गांधी का, यानी आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया, मेनका गांधी कैसे आए, ये भी आपका क्या है आपका सही है, तो दो भी आपका नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचता है, तीसरा ये आपका गलत हो जाएगा। इंदिरा सोनी जो था आपका रिजर्वेशन का प्रमोशन से संबंधित नहीं था, तो क्या हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका विच आर नॉट करेक्टली मैच, तो आपका 3 हो जो आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो हो जाएगा आपका इंदिरा सोनी, ये आपका गलत है, बाकी वो दोनों आपको केशवानंद भारती और मेनका गांधी का आपको याद रखना है। तो आज के सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।